हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम एक एसएससी एमटीएस 2022 सिलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने वाले हैं। इस इंटरव्यू में भी हम उनसे डिफरेंट सवाल पूछेंगे, जैसे कि उनके मॉक में एवरेज स्कोर क्या आता था, उनका पेपर में रो स्कोर क्या आया था, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद वो स्कोर कितना हो गया था, फाइनल सिलेक्शन मार्क्स कितने थे उनके, वर्क प्रोफाइल क्या थी उनकी, अभी अगर वो किसी फर्दर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कितना टाइम निकाल लेते हैं, करंट सैलरी कितनी मिल रही है उन्हें, और उनके जो वो अगर कोई टिप देना चाहते हैं आपसे तो वो भी उनसे मैं पूछूंगा। तो चलिए, ये जो इंटरव्यू है ये कॉल पर लूँगा और जो वॉइस ओवर है उसको मैं इस वीडियो में मर्ज करूँगा। तो चलिए हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो भाई। भाई बोलिए। दिनेश भाई, हाँ कैसे हो? बढ़िया हूँ भाई, आप बताइए। क्या हो रहे हो, क्या हो रहा है, घर पर हो? हाँ, घर पर ही हूँ अभी। आज तो संडे था ना, छुट्टी है आपकी? हाँ, ऑफिस की छुट्टी है। हाँ, ऑफिस की छुट्टी है। अच्छा, मतलब मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, बेसिकली एक दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और एज अ एमटीएस काम कर रहे हैं, तो अच्छा उनका एवरेज स्कोर क्या आता था मॉक में और रॉ मार्क्स कितना आया, नॉर्मलाइजेशन में उनका कितना नंबर बढ़ा, ठीक है? तो ये सारी चीजें मैं ये हाँ, रिकॉर्ड करके, अभी जो बॉय ये हमारी कॉल चल रही है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अच्छा रिकॉर्ड वाला, ठीक है। ये यूट्यूब पे डालूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं कोई दिक्कत। ठीक है, तो जो भी आप थोड़ा मतलब बिल्कुल जेन्युइन बताना कि आपने मॉक वगैरह दिए, क्या स्कोर था। ठीक है, हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल है कि आपने जो मॉक दे देते एमटीएस 2022 के, उसमें आपका एवरेज स्कोर कितना आता था? देखो मैंने यार भाई मॉक तो कभी दिया ही नहीं मैंने एमटीएस के लिए। हो ओके गया है, मैंने दिसंबर से सीजीएल की तैयारी शुरू की थी। पहले मैं सीट एग्जाम की तैयारी कर रहा था, ओके उसके बाद मैंने सीजीएल की तैयारी शुरू की, दिसंबर से ही की थी। और करते करते एमटीएस का फॉर्म भी ऐसे ही फिल कर दिया था, ओके ऐसे जैसे पास में सेंटर चला गया तो एग्जाम देने भी चला गया। लेकिन मैंने मॉक कभी नहीं लगाया, ऐसे ही चला गया था मैं देने में, मॉक नहीं मैंने कभी नहीं लगाया अभी ओके आपने तो। एसएससी की तैयारी दिसंबर 2021 से की थी? 22 में की थी, 22 में दिसंबर की दो, थी। अच्छा ये 2023 में पेपर हुआ था तो 2022 से शुरू हाँ की अपने थी आपने, अपने, हाँ और लगभग कितने दिन पढ़े थे फिर आप एसएससी के लिए? लगभग हुआ हुआ 5-6 महीना तो हुआ ही, हो ही गया होगा। अच्छा, बेसिकली आप एसएससी के लिए 5-6 महीने पढ़े थे, आप सीजीएल के लिए पढ़ रहे थे, हाँ एमटीएस के लिए आपने हाँ कभी मैं टारगेट नहीं किया? नहीं, एमडीएस पे टारगेट किया ही नहीं था, वो तो हो गया ऐसे। ओके ठीक है, तो मतलब हाँ आपने मॉक नहीं दिए तो एवरेज स्कोर आप नहीं बता सकते हो, और नहीं, आप मैंने जो मॉक दिया नहीं कभी। ओके और जो एमटीएस 2022 में जो आपने पेपर दिया जिसमें आपका सिलेक्शन हाँ हुआ है, एमटीएस 2022 के थ्रू हुआ है ना, हाँ हाँ 2022 वाला ही। तो एमटीएस 2000 वाला जो पेपर दिया था उसमें आपका रॉ स्कोर क्या था? रॉ स्कोर तो लगभग 105 या 106 के समथिंग, सब पूरा परफेक्ट तो याद नहीं है, 105 या 106 था, ओके 105 और या नॉर्मलाइज होके भी 125 या 126 हो गया था। अच्छा 105 या 106 नंबर नॉर्मलाइजेशन होके 125 126 हुआ था, हाँ ऐसे ही था। बेसिकली 20 नंबर की समथिंग आपको नॉर्मलाइजेशन मिला था, हाँ मैं 20 नंबर के सामने मिला था। मतलब जो आपकी शिफ्ट थी इसका मतलब हार्ड हार्ड में से थी। हाँ हार्ड में होगा क्योंकि पहले दिन ही था और फर्स्ट से थी, इस वजह से थोड़ा एडवांटेज शायद मिल गया हो। अच्छा आपको ये पता है, थोड़ा अगर आप शेयर करना चाहो कि आपकी जो आपको आपने ये देखा था कि आपकी जो शिफ्ट है वो हार्ड में कौन से नंबर पे थी, ऐसा कुछ पता है आपको? नहीं मैंने ये कुछ नहीं देखा था, मैंने तो रिजल्ट भी नहीं देख रहा था, वो तो दोस्त ने देख के बता दिया था, अच्छा मैंने बेसिकली देखा आप भी नहीं था ऐसे ही। ओके, आपका जो मेन फोकस था वो सीजीएल था, हाँ सीजीएल था, ओके और आप किस कैटेगरी से हो, ये जो सिलेक्शन हुआ है किस कैटेगरी ओबीसी से हुआ? ओबीसी ओबीसी से, ओबीसी से। हाँ ओके और अभी आप जो काम कर रहे हो, एक एक ये थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत डाउट रहता है मेनली उसकी वर्क प्रोफाइल को लेके, तो अभी आपका क्या काम है या आपके साथ और एमटीएस जो काम कर रहे हैं उनका क्या वर्क प्रोफाइल क्या है? मेनली तो देखो एमडीएस का वर्क प्रोफाइल यहाँ टपाल मैनेजमेंट ही है, थाने में जो है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। थोड़ा सा टपाल मैनेजमेंट को समझा दो क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता। टपाल ये होता है कि जो इनवर्ड या आउटवर्ड होता है, जो भी यहाँ से हम नोटिस वगैरह भेजते हैं बाहर जाता है, या वहाँ से कोई सबमिशन या उसका रिप्लाई आता है, उसका इनवर्ड करना पड़ता है, फिर शाम को सर को दिखाना पड़ता है, जो अपने हेड हैं, RTO हैं, ECIT हैं, एडिशनल उनको दिखाना पड़ता है, फिर वो जिसको मार्क कहते हैं इंस्पेक्टर को या TA उनको देना पड़ता है। बस इतना ही काम है, टपाल में ज्यादा कुछ काम नहीं है। इसके अलावा सर फाइलिंग का काम भी दे सकते हैं और ITR वगैरह निकाल फाइलिंग सकते का हैं। काम कैसे, क्या होता है फाइलिंग का? फाइलिंग का मतलब कि फाइल कंप्लीट करनी है, जैसे कुछ ना कुछ हो सकता है, जिसमें ITR मिसिंग हो
किसी में क्या बोलते हैं नोटिस मिसिंग हो, किसी में प्रपोजल, किसी चीज का 148 का प्रपोजल, 142 का प्रपोजल, तो वो सब निकाल के लगाने पड़ते हैं। ओके तो ऑनलाइन ऑनलाइन से मिल जाते हैं इमरजेंसी, तो वही अच्छा ऑनलाइन ऑनलाइन, ITBA। ओके तो वो सब ऑनलाइन आप ही निकालते हो अगर कुछ मिसिंग है हाँ तो? अगर हाँ जैसे अगर कोई नहीं है वैसे तो ये निकाल देते हैं, अगर कोई वो लोग नहीं है एबसेंट है तब मैं निकालता हूँ, वरना वो लोग निकाल के दे देते हैं, मैं तो प्रिंट करता हूँ, ओके मैं प्रिंट निकाल के केवल फाइल में लगा देता हूँ बस। और आपके साथ के आपके ऑफिस में और भी लोग होंगे जो एज ए एमटीएस वर्क कर रहे होंगे, तो किसी से ऐसा काम किए कराया जाता है जो अगर मैं जैसे अभी मैं गूगल पे डालता हूँ व्हाट इज द वर्क प्रोफाइल ऑफ एमटीएस, तो वहां पर डायरेक्ट आती है प्यून, प्यून लिखा आता है डायरेक्ट। नहीं, ऐसा कुछ काम तो यहाँ तो नहीं होता है, यहाँ तो अभी तक देखा नहीं गया था किसी से काम करवाया हो, मुझसे भी ओके ऐसा कुछ काम नहीं बोला अभी तक, चाहे मैं 9 महीने हो गए हैं, ऐसा काम तो अभी नहीं हुआ किसी ने किया। ओके ओके थैंक यू। और जो आपके सीनियर्स हैं जैसे टीए हैं या इंस्पेक्टर्स हैं, ठीक है, जो आपके मतलब बेसिकली आप इन लोगों के साथ ज्यादा काम करते हो, इंस्पेक्टर के साथ बैठे हुए हो, टीए के साथ बैठे हो, तो ये लोग कभी ऐसा फील कराते हैं कि यार आप एमटीएस हो, या आपको ऐसा लगे कि यार मतलब छोटी जॉब है, या कुछ ऐसा फील कराते हैं नहीं कि? नहीं वैसा कुछ नहीं है, शुरुआत में आपको कोई भी लगता है, जब मैं पहली बार मुझे भी लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा, वर्क प्रोफाइल ऐसा होगा, सीनियर काफी कुछ डिस्टर्ब करूंगा, लेकिन वैसा नहीं है, सब फ्रेंडली माहौल है, बढ़िया लोग हैं सब लोग, बस से आराम से बात करते हैं, हंसी मजाक होता रहता है, काम भी होता रहता है, कुछ वैसा नहीं है जैसा हम लोग सोच जाते हैं, वैसा कुछ नहीं है, आराम से होता है, सब मजे से होता है, कोई जैसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब लोग फ्रेंडली है, काफी फ्रेंडली है। जैसे मैंने कुछ लोगों से सुना है तो उन्होंने बोला है कि हमारी तो दोस्त वगैरह भी हैं, अच्छी खासी दोस्ती है इंस्पेक्टर वगैरह से, टीए वगैरह से हाँ हम। हो जाती है अगर जैसे नए हो, एज गैप हो तो बात अलग है, जैसे नए नए हो तो हो जाती है। हाँ ओके ओके और अभी आप फिर अभी तैयारी कर रहे हो सीजीएल के लिए, आपको टाइम मिल रहा है जॉब के साथ? हाँ मिल जाता है, जैसे 10 से 6 की है, या कभी कभी और एक्स्ट्रा ओवर टाइम होता है तो हो जाता है, वरना 6-7 बजे तक आराम से घर आ जाता हूँ, उसके बाद टाइम है तो वैसे 3-4 घंटे, और शाम को 3-4 घंटे मिल जाते हैं, काफी है। मतलब बेसिकली 6-7 घंटे आप निकाल लेते हो ओवरऑल। हाँ अपना तो मिल ही जाता है। ओके तो और अभी आपकी करंट सैलरी क्या है, और आप किस सिटी में हो, एक्स सिटी में हो, बाई सिटी में हो, या जेड सिटी में हो? अभी तो मैं एक्चुअली में, ओके और सैलरी 32 के अराउंड समथिंग, कुछ पहले कम थी, डीए बढ़ गया उसके पश्चात, डीए बढ़ा ना 48 से 50 हो गया, तो उसके उसको मिला के अभी 32 के लगभग कुछ है, एग्जैक्ट तो याद नहीं है, 32 से 32 हज़ार के लग आस पास है, उससे ज्यादा ही है, 32 हज़ार के आज ज्यादा ही है। ओके और अभी अगर जैसे 2026 में आपको पता हो कि मतलब 8th पे कमीशन आ रहा है, आपको आइडिया होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में? हाँ उसका आइडिया है, वो हो जाएगी 45 से 50 के बीच में हो जाएगी, जब अगर वो 8th पे कमीशन आएगा तो 45 से 50 के बीच में हो जाएगी, अच्छा तब और तो ठीक है। ठीक है, ये हमने बात की। और एक बात और कि अभी जो अभी 2024 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए बेसिकली हम ये वीडियो बना रहे हैं, और आप थोड़ा सा बताना चाहोगे कि अगर टफ शिफ्ट आती है तो एक बच्चे को ऑन एन एवरेज कितना लेके चलना चाहिए कि उतना उतने पर हो जाए, रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं। टफ तो देखो भाई कंपटीशन ज्यादा है तो टफ मान सकते हैं कि 110 तो रॉ होना ही चाहिए, 110, और मॉडरेट में? और मॉडरेट में 120, 118, 120 इतना ले लो, और इजी और में 125 से 130 के बीच में। ओके अब देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एमटीएस में तैयारी कर रहे हैं, उनके 80 90 100 ऐसे स्कोर आ रहा है, तो अभी उनको अपने एग्जाम तक, किसी के अभी 15 दिन बचा हुआ है एग्जाम में, किसी के 25 दिन बचे हुए हैं, तो अभी उन्हें फाइट कर लेनी चाहिए या 2025 के लिए तैयारी करनी चाहिए? नहीं, फाइट कर सकते हैं, ऐसा डिपेंड, ऐसा वो नहीं है कि हम नहीं पढ़ा है, मॉक में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, चांस तो देना ही चाहिए, क्या और बेसिकली है ना लक कि हो बेस्ड भी सकता है है अभी हमने एमटीएस पढ़ा में। वही एग्जाम में पूछ ले, और डिपेंड करता है। और मतलब मैं ये भी समझाता हूँ सब लोगों को कि अभी ये जो एमटीएस है ये बिल्कुल लक बेस्ड है ना, बिल्कुल हाँ नहीं लक बोलोगे तो का है, 50-60% लक बेस्ड है आपका 50% पढ़ा लक है, आधा आपकी मेहनत का काम है, आधा लक है। हुआ। हाँ अगर आपके मॉक में 70-80 भी आ रहे हैं, और अगर आप फाइनल देने जाते हो और आप वहां पर आपका अच्छा आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसे आया है। होता है ना, मेरा खुद से 6 महीने में कितनी तैयारी होती है, लेकिन हो गया। ओके ओके और कोई गाइडेंस देना चाहोगे जो अभी इस लेक्चर इस गाइडेंस इंटरव्यू तो को देख देखो रहे भाई हैं? वही है कि बस अपना जो नोट्स है वही रिवाइज करो, कुछ अभी नया नहीं पढ़ना जब तक एग्जाम ना हो जाए, ओके वही है कि जो नोट्स है वो इनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, और कुछ अभी नया नहीं पढ़ना जब तक एग्जाम ना हो जाए, एग्जाम के बाद ही पढ़ना, जो नोट्स है वही रिवाइज करो अपने। ओके ओके थैंक यू थैंक यू। यही सभी सवाल थे, और थैंक यू, आप बहुत इन्फॉर्मेटिव
चीज़ें शेयर करने के लिए, काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे, एज अ मोटिवेशन भी काम थैंक यू करेंगे भाई, काफ़ी लोगों के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।